किसी टॉपिक को अपने सामने रखकर डिस्कस कर रहे थे तो आप देखें टॉपिक एट द एंड, ठीक है, यानी ऐसा हमने एग्जाम से हुए एसी इस एग्जाम का। टॉपिक ये चल रहा था कि हुबे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इजाफे के लिए जो पॉइंट्स होते हैं वो डिस्कस किए गए। जो ही हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम का जिक्र पाक आता है तो साथ फौरन सहाबाए किराम याद है बैठे पाक याद आते हैं। सरकार का इमीडिएट रेफरेंस वो है ना, हुजूर की बातें हम तक जितनी पहुंची हैं या आले रसूल पाक अहले बैते रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने मेहरबानी फरमाई था तक पहुंचाई, या सरकार के सहाबाए किराम रिजवान अल्लाह अलैहिम अजमईन ने करम फरमाया वो बातें हम तक पहुंचाई। और फिर हजरत वैसे करने के जिक्र आया तो हम सोचते हैं कि वो तो हुजूर के आशिक थे, हुजूर के फिदाई थे और हुजूर पर सब कुछ कुर्बान कर दिया था, उनका हुजूर से मिलना या हुजूर का उनसे मिलना आने बैठे इतहार हूँ या सहाबा किराम रिजवान अल्लाह अलैहिम अजमईन हूँ या हजरत वैसे करनी हूँ या हजरत इमाम आजम अबू हनीफा या मुहद्दिसीन मुफस्सरीन उनका या चौधरी के औलिया दार मुसनद पीर मेरे लिए शाह साहब बरौदी रहमतुल्लाह या इस सतह के दीगर औलिया इकराम आला हज़रत बरेलवी हूँ या इस लेवल के औलिया इनका हुज़ूर से राबिता और हुज़ूर का इनसे राबिता जिस तरह से शाह अब्दुल्लाह की बात करते हैं ये बात तो फौरन हम कबूल कर लेते और जैन भी कबूल कर लेते हैं कि वो भी पाक ये भी पाक वो पाक असली भी अजीम ये उनके सच्चे गुलाम आने के असर में अजीम इनका हुजूर की जात पाक की बारगाह में शर्फियाब हो जाना एक अंडरस्टैंडेबल बात है आसानी से समझ आने वाली बात। लेकिन इससे बिल्कुल अलग थलग एक और पहलू भी है कि जब किसी गुनाहगार तरीन को हुजूर की ज्यारत हो या अवाम उन्नास में से जो सहाबा में से भी ना हो आले बैत पाक में से भी ना हो औलिया उल्लाह में से भी ना हो आम इंसान हो अगर उसको हुजूर की ज्यारत हो और फिर तरजीह हमारे जमाने में अगर ऐसा वाक्य मिल जाए तो वो ईमान में यकीन तरक्की का बायस बनता है। एक वाक्य तो मैंने आपको बताया हमारे अपने सर्कल का है अपने अजीज का है। एक वाक्य में कुरान में नमाज पढ़ रहा था मुझे फौरन वो वाक्य भी ध्यान में आ गया। गुलिस्तान कॉलोनी कोई ऐसी ढकी छुपी जगह नहीं हमारे दोस्त रहते उनका नाम है मोहम्मद असलम और वो हमारे एक बेहतरीन रूहानी दोस्त और बुजुर्ग हजरत सैयद अब्दुल्ला शाह साहब हमदानी ये बंगाली शरीफ वालों के मरीदी हजरत अब्दुल्ला शाह साहब अल्लाह रहमा साहब जाहिर के हजरत सैयद इमाम अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के और हजरत सैयद इमाम अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने हमदानी सादात के सिस्टम में कादरी सिस्टम में बैत होने के अलावा मुड़ा शरीफ से भी खिलाफत याफ्ता थे और उनका सिलसिला आगे जो इकदाम चला है वो सबसे आगे मुड़ अभी आपके मुताबिक चला ये सूफी मोहम्मद असलम साहब ये बहुत नेक दोस्त हैं मेरे अपने नहायत करीब तरीन अजीजों में से और ये देखा जिस तरह मैंने पहले भी एक शेर की सूरत में आपसे बात की थी अगर हो जज्बा सारी तो अक्सर हमने देखा है कि वो खुद नजदीक आ जाते के नाम आपने शेर में नहीं है वो खुद नजदीक आ जाते हैं तरपाया तो इनके असम साहब के कुदरती इन पर अल्लाह का ये कलाम है कि हर कुछ
पांच छह माह बाद या साल बाद या दो साल बाद कोई ना कोई दोस्त ऐसा उठता है, चलो तुम्हें हमारा ये कई दफा क्योंकि मेरे साथ पास बैठे हुए थोड़े हंसते रहते हैं, कहता मुझे समझ नहीं आती कि हुजूर ने देखे ऐसा साथ है, ये निजाम कितना अच्छा होगा। किसी ना किसी रंग में आशिक से कहते चलो, और कभी किसी को सारी जिंदगी इजाजत नहीं मिलती कि आ गया तो बाहर निकल के मजारे पाक से कहीं ऐसा काम कर, एक वो रंग दिया है, ये रंग दिया है, ठीक है। तो इनको पहले वाला रंग ऐसा है कि कोई ना कोई दीवाना उठता है, कहता चलो तुम्हें हम रखता है और दरबारे पाक में हाजिर हो जाए। एक दफा मेरे पास आए, कहने जी बड़ा अजीब वाकई हुआ, क्या कहते मेरी बच्ची है, तो मैं जब भी उम्र पर जाता हूँ तो वो रोपर दिए मुझे भी साथ ले चलो, मैंने उस से मिला। उस बच्चे को तो ये नहीं पता कि हजूर सस्ताम कर रहे हैं, उसी में आराम फरमाए, उसमें थी हजूर घर में रहने को फ्रोज है, ये जाते हैं उनसे मिलकर आ जाते हैं, मुझे नहीं मिला। ये याद रखें, बच्चों का अकीदा सही करने के लिए अपने रसूल को जिंदा रसूल के तौर पे पेश किया। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये बात समझने वाली है। वरना जो ही बच्चों को पता चलेगा कि वो तो फौत शुदा है, बच्चे कहते फिर मैं क्या कहूँगा, जान रहे क्या करूंगी जान। वहां पर बच्चे का अकीदा खत्म हो जाता है, ठीक है। लिहाजा जब भी हुजूर को पेश करो, जिंदा हुजूर की बारगाह में अपना बच्चा पेश करो तो जिंदा रसूल के सामने पेश करो। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। ये खास है मेरी अपनी पॉलिसी का हिस्सा, अपनी पॉलिसी का हिस्सा बना कि ये नहीं कहना कि हमने रोजा रसूल की ज्यारत के लिए जाना है, ये कहना है कहना है हमने हुजूर की ज़ियारत के लिए अल्लाह हुजूर से मिलने जाना है। सुभान अल्लाह। अब मोहम्मद रसूल का बयान सुनिए, कहने लगे कि अब जब मैं उम्रे पे जाने लगा तो बच्ची ने चीख और पुकार शुरू कर कि इस दफा तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं ना जाऊं, मैं जरूर जाऊं, मेरा हुजूर से मिलना। दिल हो बच्चे का मासूम और पाकीज़ा और मोहब्बत हो हुज़ूर की, कौन सी नेमत है जो उस तरह खींच कर नहीं आएगी। जिस बच्चे के दिल में आप देखें कि हुज़ूर की मोहब्बत है, उस बच्चे को अल्लाह पाक का बहुत बड़ा इनाम समझकर उस बच्चे को अल्लाह की बारगाह में पेश करके दुआ किया जाए ना, पूरे दिन लगा उस बच्चे को पेश करना। क्या हो जाएगा सरकार मदीना की बारगाह पाक में जब मरीज तशरीफ लाते, मरीज आते तो हजरत इमाम हसन का हाथ डुबो के सरकार हमारे जाओ, हजरत इमाम हसन का हाथ सरकार के रस्ते पाक से ज्यादा अफजल तो नहीं था, सरकार बताना चाहते थे कि मासूमों की अपनी एक दुनिया, ठीक है। तो जब भी बच्चों को पेश कर रहा हूं तो जिंदा रसूल के सामने पेश करो, और जिस बच्चे में मोहब्बत रसूल आप पैदा कर सकें ऐसी बातें करें कि बच्चे के दिल में एक तड़प पैदा हो जाए। बच्चे का दिल जब हुजूर की याद में तड़पे जा तड़पे जो हम याद हो मदीने खबर की, ये खास पॉलिसी है, औलाद को सिखाओ मोहब्बत रसूल, ये एक पॉलिसी। तो असम कहते हैं कि बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, मैं जरूर जाऊंगी, मैंने जरूर से मिलना ही मिलना है। खैर कहता है कि मैं कोई चक्कर लेकर के चला गया, किसी ना किसी बहाने निकल गया था ना बच्चे का, ना वीजा लिखा हुआ था, ना प्रोग्राम बना हुआ था, ना बच्चे को लाना था, मैं पॉसिबल था। कहता मैं चला गया, जब मैं वापस आया बच्ची से मैंने माँ की बातें करना शुरू की, कहते अब्बा जी आप रहें मुझसे बात ना करें, मुझे हुजूर मिल कर गए।
अल्लाह ये कहते कि मैं आखिर में ये बच्चे क्या कह गया। मैंने पूछा तो आप ये कैसी बातें हैं, कहते मैं क्या क्या बताया मैं जब आप मुझे छोड़कर चले गए तो मैं इस कमरे के अंदर थी तो मैंने देखा कि एक निहायत खूबसूरत बुजुर्ग मेरे कमरे के अंदर उन्होंने आकर मुझे सीने से लगाया मुझसे बयान किया। तो मैंने पूछा बाबा आप कौन है, तो उन्होंने कहा बेटी तुम जिसे मिलने के लिए वहां जाना चाहती थी हम तुमसे खुद मिलेंगे। ये वहां क्या ख्वाब का नहीं है, बेदारी का है और जलंधर और दार्जिलिंग का नहीं है, पिंडी शहर का है, रिवायतन नहीं है, पराय रास्ता किसी और के घर में नहीं अपने घर और किसी बदअकीदा का नहीं, उस दरवेश के मुरीद का है कि जिसने सारी जिंदगी हर साल हर सोमवार के दिन हुजूर का मिलाद किया। और जिसके जसद खाकी जसद जाहिरी का खाकी में कहने का दिल नहीं करता, जसद जाहिरी का, क्योंकि वली जब नूरे इलाही में फना हो गया नूरे मुस्तफा में फना हो गया तो खाकी तो ना रहा, पता जसद खाकी कहने कहने क्यों आदत पड़ी हुई। तो असद साहब ने ये वाकई नहीं सुना, वो भी रो रहे थे, हम पर भी दिक्कत आ रही है और दिक्कत से बढ़कर हमें नाज आता है अपने हुजूर। हमारी दिक्कत क्या, हमारा नाज, हमारे सोज-ओ-साज क्या, हमारे आंसू क्या, हमें नाज ज्यादा करना चाहिए बेशक, ठीक है, क्योंकि हुजूर अस्सलाम आज भी एक जिंदा रसूल के तौर पर पूरी कायनात के लिए रहमत किसी न किसी सूरत में और अपनों के लिए रऊफ़ रहीम होने की सूरत में मौजूद है हमारे रिश्ते। बताना मकसूद ये था, ये डिस्कशन हमने जहाँ से शुरू की थी ना, तो क्या थी कि हुजूर खुद मुंतखब पर नाले में गुलिस्तान का आलमी है, मेरी एक बेटी है जो मेरा मिलाद कराता है हर सोमवार के दिन मेरे जैसे करता है, उसके मुरीद की बेटी मेरी याद में तौर पर, ठीक है। तो इसी तरह अगर दरअसल को सरकार के मुए मुबारक ने वहां जाकर काम फरमा दिया, हुजूर की शान है बेशक, हुजूर की अजमतें हैं, हुजूर की मेहरबानी है, हुजूर के करम है, हुजूर के बंदा नवाज है जो तमाम मुसलमानों के लिए ओपन है, तो हम कभी ये सोचना शुरू कर देते हैं कि शायद हमें पता नहीं ज़ियारत होगी या नहीं होगी, हम पर कर्म होगा नहीं होगा, अपने रसूल पर शक ना करो, उसके अताओं पर शक ना करो। एक मैं मेरे गुनाहों की हकीकत के लिए मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा, समझ आ रही है बात। इसलिए उसके रेफरेंस से या हुजूर का कोई जिक्र, हुजूर का कोई हवाला हुजूर के करम का बायस होता है, रसूल का इकराम करेंगे हुजूर का, असहाबे रसूल का इकराम करेंगे हुजूर का, कुरान से प्यार करेंगे हुजूर का, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे हुजूर का, मस्जिद की खिदमत करेंगे हुजूर का, हुजूर की महफिल सजाने के लिए इहतमाम करेंगे हुजूर का। अब हुजूर के करम की कितनी जिहाद होती है, बड़े खूबसूरत टॉपिक से एक एक टॉपिक पर हमें जान लड़ानी चाहिए, हर टॉपिक में आप हर टॉपिक की तजल्ली में हर टॉपिक की जिहत में
हर टॉपिक के उनवानात नहीं, मफाहीम नहीं, गहराइयां नहीं, अजमतें नहीं। ये दिल भी मौजूद अपनी जगह। अब रह गया आपका जो टॉपिक हम डिस्कशन कर रहे थे, कभी ये ना सोचिएगा कि मैंने अगर कुछ भी ना किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोस्त मिलाद करा रहे हैं, मैं बैठ के कम से कम बोल रही हूं, मैं लगभग तो खा ही होगा। अकबर के दौर में कोई तकरीब होने वाली थी, शाह अकबर के दौर में। अच्छा हाँ, ये वाक्य बयान करने से पहले याद रखें कि मैं किसी को ताना नहीं मारूं। ताने मारने वाला बखील यानी कंजूस और मनमान यानी एहसान करने वाला, कोई नेकी किसी ने कर दी किसी पर तो बार बार उसको दबाओ, मैंने ये नेकी की थी, मैंने ये नेकी की थी, मैंने ये, वो नेकी से आज जन्ना था खबू फला बखील फला मना। ताने मारने वाला और कंजूस और एहसान करने, ये तीनों बंदे चाहिए। और एक और के बारे में सिखाना है, लायद खुल जन्ना था काते हंग, के दोनों को आपस में लड़ाने वाला भी जन्म होता है। इस तरह बहुत सारे लोगों के बारे में सरकार ने क्लियर फैसले दिए, लिहाजा सुलह कराने की कोशिश करनी चाहिए। जो दो मुसलमान के दरमियान सुलह करा के शिकार मारे में उसकी जन्नत की जमानत देता है। ठीक, तो याद रखें मैं किसी को ताना नहीं मारू, मैं एक थियरी समझा रहा हूं, ना समझू ना समझ उसमें आना होता। अकबर बादशाह के दौरे को तकरीब होना थी, अकबर ने कहा कि इसके लिए इतना दूध की जरूरत पड़ेगी। अकबर के दरबारियों में बड़े बड़े वाइज लोग, नौ रतन मशहूर है, नाइन वाइज मैन, ठीक है, मशहूर रतन कहते हैं मोती, उनमें से एक है ना बादशाह सलामत इस तरह करें कि दूध तो मिल जाए लेकिन अपने मुखलिसीन का इंतजार भी कर, एक तालाब खाली कराते हैं पानी का, ये जो टैंक होता है साफ सुथरे पानी का, होज जिसे कहते हैं, खाली कराते हैं। तो गवालों से कहना, गवालों को ऑर्डर किया जाए, गवालों को ये साथ भैंस वालों भी कहो, गवालों और भैंस वालों से या बकर वालों से कहें कि वो उसमें रात को दूध डाल, रात को डालना है, किसी को पता ना चले, आए और इतना इतना जितना इतना आप दूध डाल सकते हैं डालें ताकि दूसरे दिन तकलीफ नहीं। तो सुबह जब उठे तो सारा होज पानी से भरा हुआ। बादशाह ने कहा ना ये क्या हुआ, उसने कहा बादशाह सलामत ये मैंने आपको ये बताना चाहा था कि जो कुछ भी काम कराना हो सामने कराया करे, इन पर एतबार ना किया। तो बिल्कुल सही, ठीक है। तो आप या मैं या कोई उन गवालों महसूस वालों और बकर वालों की तरह ना बने, हुजूर के मिलाद करे फिर से खास तौर बेशक। मैं ऐसे लोगों को भी बाज का मेरा दिल चाहता है कि उनको कान पकड़ो कि जिनकी आमदनी लाखों में हजूर के मीनार के लिए आकर 10 रुपए देते, ऐसे लोगों को चाहिए कि कुछ न दें ताकि ना मैं शर्मिंदा हूं और ना मेरे हजूर की तोहीन हो, ना मिलादे पाक की तोहीन। तुम अपने ये 10 रुपए भी अपने पास रखो, जहां काम आते हैं वही इस्तेमाल करो, वरना उनकी जरूरत नहीं। हम सारी ये बात मुझे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उन लोगों को बताने के लिए कि जिनके अंदर मोहब्बत का फुकदान है, कमी है, लिहाजा इन पे रात को सुन रखें, क्योंकि यही चराग जलेंगे तो रोशनी। हुकूमत के मुलाजमीनों से कभी तो नहीं रखनी चाहिए कि वो लोग आपको जोर का काम करते हैं, जरूरत ही क्या, किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं,
भरपूर तरीके से, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि हमारे हर दोस्त को हर साल अपने घर में कम से कम एक मिलारे पार की महफिल जरूर कराना चाहिए। खामोशी खामोशी हम ये नहीं कहते ज्यादा करें, अपनी मुसाद से बढ़कर करें। और खासतौर पर वो लोग जो मिलाद तो करते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते, तो वो हुजूर की नाराजगी मोल लेते हैं। क्यों? क्योंकि नमाज फर्ज है, मिलाद फर्ज नहीं है। मिलाद शरीफ फर्ज नहीं है, नमाज फर्ज, रोजा फर्ज, ज़कात फर्ज। जिन लोगों के पास बेशुमार दौलत पड़ी हो और ज़कात ना देते, जिनको तौफीक हो और हज ना करे, तो याद रखें कि मिलाद ए पाक मुस्तहब है। अगर कर सकते हैं तो बिस्मिल्लाह, अगर नहीं कर सकते ना सही, लेकिन नमाज ना छोड़ना ये फर्ज है। जो लोग सादिक हैं और हुजूर के मिलाद भी कराते हैं, किसी दिन उन्होंने एक बच्ची को डांट रहा था, इतनी अच्छी मिलाद खान है, इतनी अच्छी नाज पढ़ती है, इतनी मेहनत करती है, पूरा महीना बल्कि पूरा साल यूं कहें कि मिलाद पाक की महफिल में जाती है और कोई एक पैसा भी किसी से नहीं लेती। कितनी प्यारी पूरी जिंदगी में उसने कभी किसी से एक पैसा भी नहीं लिया। खुद लोग खिदमत करते हैं और बात है, गाड़ी में ले जाए छोड़ के जाए और बात है, अच्छे खाने या कोई मुनसी पेश कर दें या कोई जोड़े कपड़े को पेश कर दें या अपने तौर पर कोई खिदमत कर दें, कोई कर देगा ना करें, कोई उसने कभी किसी से पैसा एक नहीं दिया। लेकिन खुदा की बंदी ने नमाज भी जिंदगी में कभी एक नहीं पड़ी। तो मैं उनसे कहता हूँ चला रखा है, खुदा का खौफ करो, तुम्हारी आदतें बनी वाली हैं, का मिलाद भी करो और रब की इबादत करो। ठीक है, तो इन कवायद जवाबित को सामने रखते हुए मिलाद पाक का एहतमाम जो मार्च को लगता है उसमें भी मरतने की सतह पर भी है। ये हमारे बशरन साथी बड़े अच्छे थे, ये हर साल मिलाद पाक बड़े एहतमाम से कराते हैं, लेकिन इनकी जो जिस आदत से मैं सख्त परेशान हूँ वो उन सुरीलों को ले आते हैं कि जो इनकी सुरें बिखराव करके चल, पिछले सारा साल मैंने किरात पर मेहनत किया, जब इनकी किरात सुनी तो ऐसे पता चलता है जैसे किसी निराशी ने इनको पढ़ाई हो, कम अज कम कुरान वो नहीं था। ठीक है, कुरान को मैं थोड़े कुरान पढ़े और ये मराशी चाहे कि मोदियों से बचे, उनको कान से पकड़ के कहें अलामों के पास लाए, उनको कान से पकड़ के कहा गया कुरान पंजाबी में नहीं होता था, कुरान अरबी में होता, उसको अरबी का सीखा कुरान कुरान समझ के, जहां हुजूर का मिलाद हो वहां कुरान का नूर बरसे, जहां हुजूर का मिलाद हो वहां हदीस पाक का नूर बरसे, जहां सरकार का मिलाद हो हुब्बे रसूल के चिराग रोशन। और मिलाद पाक को, मिलाद पाक की समाजी तमदनी और कल्चरल और माशरती अहमियत क्या है, और मिलाद पाक एक मेरा कॉन्सेप्ट है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, मेरा एक कॉन्सेप्ट है इनकलाब थ्रू मिलाद। इनकलाब थ्रू मिलाद, रेवोल्यूशन थ्रू मिलाद, एक कॉन्सेप्ट है। मैं पूरे सच्चे खालिस आले सुन्नत से कहूंगा कि इस टॉपिक पर गौर करो, आर्टिकल्स लिखो, कॉन्फ्रेंसें करो, सिंपोजियम कंडक्ट करो, सिंपोजियम जमा सिंपोजियम की, सिंपोजियम कहते हैं मुजाकरे को, मुजाकरे कहते हैं गला पाड़। ठीक है, एक टॉपिक लिया और उस पर शख्स की राय जो है वो पूर्ण की, पूर्ण है ना, वो उसको पूर्ण कहते हैं ना, ऐसा उन्होंने दूध कटा के बस तो राय पूर्ण करना, यानी राय इकट्ठी करना, आप आराम होंगे
सिर्फ एक मिलाद पाक इंकलाब के लिए काफी है, धर्मों की जरूरत नहीं पड़े। करना क्या चाहिए, धर्मों को मिलाद मुस्तफा में कन्वर्ट कर दो। और जिन लोगों को धर्मों का शौक है उनको चाहिए कि इस बात को तस्लीम करें कि तुम्हें धर्मों तक पहुंचाने वाली पॉलिसी क्या थी, तुमने हजूर का नाम लेके इस लेवल तक पहुंचे। बिल्कुल, वरना ना तुम्हें कोई मानता था ना तुम्हारे धर्मों को कोई मानता था। ठीक है, और फिर क्योंकि अफजल जिहाद कलिमतुल हक इंद सुल्तान इंद जाबिर, सच्ची बात तो यही है कि आईन जमा मरता हक गोई के बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाई। रूबा बिलाल जी आपने कुबड़ी की, ठीक है। अब जनाब कल दूसरों के धर्मों पर एतराज हो रहा था, आज खुद धर्मेश ने जवाब बह गया धरना बारिश में। ठीक है, वही धरना जो करना जायज था आज जायज हो गया, कल तो शायद ना जायज हो गया। धर्मों का भी पता नहीं, धरना भी अजीब चीज है, किसी मुनाफिक शह का नाम धरना है। ये बड़े अच्छे धरना मुनाफिक तोड़ के ना लिया, अल्लाह करे मान करने को आम होने लगे, सर से लेके पांव तक तो उनको शर्म आए। अब पॉलिसी क्या बन रही है भाई, तुम हुकूमत करो 5 साल बोल करो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी पार्लियामेंट के बाहर घर में बैठ कर एक दिन के लिए धरना दूं, तुम नाराज नहीं होगा ये सब दिवस रहे। मुस्लिम सोसाइटी में जब भी इंकलाब आएगा नबी पाक के नाम है नामी से आएगा, तौकीर मुस्तफा से आएगा, तौज़ीन मुस्तफा से आएगा, नूर मुस्तफा से आएगा। ये टॉपिक टॉपिक क्या है, इस पर आप लोग गौर करें। और बेशक अपने आप में दारुल शरीफ में इस मस्जिद में अपनी महफिल में जो आपकी बेहतरीन महफिल होती है, आज लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हमारी महफिल पूरी आप ताब से हो रही है। ठीक है, तो इसी में आपने मुजाकरा किया, अपने घर में आप बैठ के सोचें कि वाकई के मीनाद पाक की तो बहुत बड़ी अहमियत बनती है। लोग रो रहे हैं, एक कार्नर से आवाज आती है, साथ एक निकल चंडी काली जी खड़ी मिली है। ठीक है, बात है तो उसके भी थी। एक तरफ कहीं इंसाफ हो रहा होता है, आवाज आती है मुसलमानों को जगह होना चाहिए, जगह का मान मुसलमानों की जमा हो जाना चाहिए। अच्छा, फिर कहीं से आवाज आती है फिरका वारियत का खात्मा बहुत जरूरी है, चौधरी पश्चंगड़ वहां। अच्छा खैर, जालिमों हम तो नहीं बताते हैं मुसलमान जमा है मिलाद कराओ। मुसलमान जमा है, कभी मुसलमान नहीं बिखरे आपस में, जो बिखरा है वो मुसलमान ही नहीं। नहीं, बिल्कुल। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरब के शहरों में लड़ने वाले अगर दो कोई
बदवी इतना नजर आए और वो आपस में लड़ रहे, तुम वहां जाकर सल्लु अला नबी ये कह के देखना, तुम्हें पता चल जाए कि मुसलमान आज भी एक। जिस मंजिल की खातिर तुम तरस रहे हो, रो रहे हो, तड़प रहे हो, भीखे मांगते हो, कभी अमेरिका से, कभी यूरोप से, कभी बर्तानिया से, कभी ऑस्ट्रेलिया से, कभी मशरक बईद से, कभी मशरक करीब से, कभी अंटार्कटिक रीजन से, खैरातें मांगते फिरते हो, आओ तुम हमें इकट्ठा करो, हम तुम्हें बताते हैं मीरात सब इकट्ठा कर चुका है। मीरात पर पहले भी उम्मत जमा थी, आज भी जमा है। सरकार के नाम पर पहले भी मरने वाले मौजूद थे, आज भी मरने वाले मौजूद हैं। ये बड़ा खूबसूरत एक टॉपिक है, बेहद प्यारा। क्या कि हुजूर का मिलाद इतिहाद उम्मत की सबसे बड़ी अलामत, हुजूर का मिलाद सबको इकट्ठा किए हुए हैं। सिर्फ मानना सीखो, जिसका नमक खाते हो ना अल्लाह काशे मन वाले का, उसके गीत भी गाओ, उसकी मरनों को बहुत से तुम नहीं उड़ा सकते। कोई एक दो शहीद हो जाएगी सीधे जन्नत में जाएंगे, तुम्हारे बहुत से कोई नहीं करता। इस तरह जी आज क्या चुके बड़ी खूबसूरत मौसम, तो मैं कह रहा हूँ एक नुकता जो है बयान कर दिया जाए कि मिलाद इंकिलाब का तयशुदा जीना है। बाकी राय हमार करनी पड़ती है, ये राह हमार है, बिल्कुल इस पर पॉलिसी बनाई जाए और वो पॉलिसी नाफिज करनी चाहिए। नफूस के पास एक मेथोडोलॉजी चाहिए, तरीका चाहिए, और अल्लाह के फजल करम से ये तयशुदा जीना। हमारे बुजुर्ग कुछ दोस्त यहाँ महफिल में भी तशरीफ लाए थे, अल्लाह उनको खुश रखे, हमारे साथ बड़ा प्यार करते हैं, मेरे छोटे भाई से बहुत ही इनसे प्यार करते हैं, महफिल इनकी है, दोस्त इनके हैं, फॉरम इनका है, जो इनका फॉरम है वो नदरी के वाला है, असद भाई का भी वही फॉरम है, रियाज का भी वही है, हमारे साथ अजीजों का वही फॉरम है, तो उन्होंने कल के प्रोग्राम में रखा जगह, चूंकि मैं पहले वहाँ नहीं गया, चेक बोर्ड है जगह का, लेकिन आपको भी इंशाल्लाह नादरा से रात की रोटी पेश आएगी, कल वो गाड़ी खुद भिजवाएगी, यहाँ टाइम एक फिक्स कर लें, उस फिक्स टाइम पर दोस्त यहाँ से वहाँ बाहर जाने की बजाय यहाँ से डायरेक्ट बैठे, ठीक है, यहाँ मंगवा लेते मौजूद हो गए, ठीक, गाड़ी के वाले से परेशानी नहीं होगी, यहाँ कोई एक टाइम रख लें जिस टाइम पर कहेंगे दोस्त पहुँच जाए, 10 मिनट पहले पहुँच जाए, और फिर जो ना पहुँचे उसकी टेलीफोन ना ना करें, दस मिनट के ना अपना वाइट संध्या तारीफ ना करने की चंद दिन पहले मरीज में तुमसे कहीं जाना था, तो मैंने कहा आजी बाबा के करने हो गए आने अच्छा अच्छा लगे मैं कपड़े लाए थे ये खुशगवार हादसा दिन 9 बजे तुम्हारा कोई दोस्त टेलीफोन भी करना है जी, चीज़ और जाने में साथी कर देते हैं आपके नाम में ये दर्ज है मैनेज करने चीज़ ही हो सर
नाल खाई छोड़ो ना जी। हाँ ये बात मैंने करनी है, ये बात मैंने करनी है। अगर दोस्त जो जो दोस्त जानना चाहते वो एक रफ सी एस्टिमेशन अभी भाई को दे दे किराया ना कितने दिल्ली संस्था ऐसी एजाज बंदे दबो गड्डी का साइड कर एक दफा नहीं गड्डी छोड़ के भी जाएंगे यहां पे। किसा दोस्त को कोई चीज इच्छा है चार्ज नहीं के लिए चाहिए जो टाइम रखने हो कितने तीन बजे जी बस जोर के बाद इकट्ठे हो जो सारे साथी के नाम बताने तीन बजे मैक्सिमम टाली टाइम हो ना तीन बजे मूव करना है दुनिया तीन बजे यहां से गाड़ी मूव कर जाएगी ठीक है। तो लेकिन ये जो मैंने ऐलान किया है ना कि टेलीफोन ना करे बल्कि करे जुले बताए क्यों कि ए देखो कुछ गलत काम हो गया फोन भी नहीं करा रही है ना डरने का मौका मिलेगा ठीक है। और किसी को फोन करने करो लेकिन आज ही पाओगे फोन जरूर करे सारे सारे आज बाबा से ऐलान रखे है बुजुर्ग दोस्त असल में जिन्नत होते हैं ना जी जी। इसी तरह जो जो दोस्त जानना चाह रहे हो अभी भाई को एक तरफ से एस्टिमेशन दे दे। हाँ दिलाल जी तुम आपने ना खाना नहीं दसो कर लुप सुन लिया मुश्किल है उम्र तैयार है उम्र को तो मैंने कह दिया था उसको याद करें। और आरिस भी आपका वादा है पता है जी सर उससे कहा था मैंने कॉलेज की तरफ से जा रहे हैं लाहौर बसंत के बारे में एक तहकीक हो चुकी है। ये तहवार उस वक्त शुरू हुआ था जब से अलकोर के एक आशिकी रसूल ने एक हिंदू को मारा था और उसके नतीजे में अंग्रेज जज ने उस मुसलमान को फांसी की सजा दी थी। जिस दिन फांसी की सजा उसको हुई थी मुसलमान को उस दिन हिंदुओं ने जश्न मनाया था बसंत। ठीक है समझ आ रही है। इस पर मेरे पास मटेरियल भी मौजूद है तो अब खुद आप देख लें कि कौन सी चीज। खैर भाई हमें ब्रिटिश के अंदर वो जज्बा ना हो तो हमें जबरदस्ती पैदा करने की जरूरत भी कोई नहीं है जो दोस्त जा सकते हो और और क्यों भी मैं कोई नहीं कल फिर 3 बजे का टाइम रख लीजिएगा। हम अपने शेड्यूल जो है मैं जाएंगे। हम अपने दो गाड़ियों में जो सिलेक्टेड दोस्त हैं वहाँ साथ लेकर के ये याद रखिएगा जो इधर नहीं पहुँच सके उधर पहले ही वो सीटें फिर ले। हाँ याद रखिएगा सब मेरे ऊपर आशी करूँगा उधर के लिए ऑलरेडी मतलब कि हमारे पास दो गाड़ी होंगी उसमें ज़्यादा है हमारे पास तो गाड़ी इसमें थोड़ा कम्फर्टेबल होगी कोई आपको दुश्वारी नहीं तो दोस्त सारे यहाँ पर पहुँच जाएंगे। बल्कि अभी आगे तक आप नोट करें अभी मेरे सामने नोट करें नाम साथी जो जो दोस्त जाना चाहते हैं वो बेशक आकर अपना अपना नाम देते जाए। सर जी नहीं बाजी सुल्तान बादशाह
इशारा बाजी बना अपना नाम नहीं है सिर्फ हाथ खड़ा कर हाथ खड़ा कर खुद खड़े जिनको मारना खड़े होकर नाम लिखाते जाए ना नदीम कुरैशी लिखे जुल्फकार लिखे जुल्फकार भाई लिखे बिलाल डॉक्टर साहब का लिखे डॉक्टर अब्दुल जलील मौलाना आ जाएंगे लेकिन घर से होके इनका घर से वहाँ करीब है मुबशर भाई हो गया महफिल करके वापस आ जाएंगे मोहम्मद जुबैर लिखे जी महफिल के बाद ये गाड़ी आपको वापस यहाँ ड्रॉप भी करेगी इंशाल्लाह बुजुर्गों का नाम लिखे कितने गया अभी ना 25 24 25 बस ठीक है बस कोस्टल में इतने आ जाते हैं ना नान खाने वाले ना कल हाजिरी करता कितने चंगा नगर जाकर नहीं तो चंगा नगर हाजिरी लग सी ना नहीं हजूर तो मस्जिद बई नाल खाने पे तो फिर और केस बढ़ सी इरादे तो अगे नहीं गली नाल लिखाए कोई रास्ता देखो एक लेके इरादे तो अगे गली बाकी मुझे जी ना नाल लिखे नहीं सर नहीं ये बाड़ी तक बोले नहीं चुप भाई जो नहीं जा सकते कोई हमें किसी का कोई गिला नहीं होगा कोई कंपल्सरी नहीं है शौकिया जाने जाने दुश्मन क्या अनिल भाई के पास अपनी दूसरी गाड़ी भी होगी सुबह बारह चेक करेगी नहीं तो के से कुछ चीज़
ये दोस्तों को बता दें कि हमें जाना है, ट्रैवल करनी है और फिर वापस भी आना है, रात को यहाँ वापस घर इंशाल्लाह खुदा ने चाहा तो पहुंच जाएगा। ईशा की नमाज के करीब हम पहुँचेंगे, बोले दोस्तों पहले पहुँच जाएंगे, मगरिब से शरण शरीफ का टाइम है, मगरिब से ईशा मगरिब शरीफ होगा, मगरिब शरीफ के बाद फिर नमाज नमाज ईशा, और नमाज ईशा के बाद महफिल होगी, महफिल करके हम फौरन निकल आएंगे, बस उसके बाद हम तैयार। हाँ, जो दोस्त हमारे साथ होंगे शायद पहले खाना ना खाएं, खाना पहले खा लेता ठीक है, तो आज तो देखते हैं जिस तरह हमारे छोटे शेर के आएंगे बस प्रोग्राम है कि ईशा नमाज में फौरन बाद महफिल शुरू। हाँ, यानी उसमें यह है कि हमें सबसे ज़्यादा फोकस महफिल पर वक्त करने के हैं। अक्सर होता है कि बस फिर वही होता है कि लोकल नाथ खान जो होते हैं ना, उनको बाज का मौका चूँकि कम मिला होता है, तो वो उस महफिल में अपने आप को नुमाया करने के लिए समय सुना कुछ लोग लोकल ट्रेनिंग बोलने ना कफने में फंका चुका ले, ठीक है, तो इस तरह के लोगों से बचाना, अपनी महफिल बिल्कुल कॉम्पैक्ट, इधर उधर का नहीं, दरमियान में किसी को मुदाखलत नहीं करना जी इंशा, अगर देखा कोई घर मेरे ना खाना उनसे कहीं बैठ ठीक ट्रेनिंग की इजाजत नहीं। हजूर जनाब की तरह दसी के साथ सब बार में नाथ खान ना रखना इंशा जी, फिर मैं अपने जी अपने ना बारे ले मगरब की शॉट ट्राई करके ना नहीं नहीं ऐसा जल्द फोरम दे नहीं ना सके ट्राई वैसे जी वो अपने तौर पे करते रहना, नहीं नहीं उन्हें दसे हजूर कंफर्म आ गए उन्हें कोई नाथ खान नहीं हो मैं जा सब भाई आपके और फिर मैंने ये भी याद रखे कि सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो होता है स्टेट सेक्रेटरी जी। अच्छा, और स्टेट सेक्रेटरी अपना कोई जिम्मेदार शख्सियत और मेरे ख्याल से ऐसे बेहतर होता जी या असल नहीं शायद तुम जाए जी मौजूद है जिस तरह भी, लेकिन मेरे ख्याल असल भाई ज़्यादा जिम्मेदार शख्सियत है, सही इनका अपना एक लेवल भी है, फिक्री इतनी और मोहब्बत का भी लेवल, दोनों मोहब्बत आ रहे हैं अपने जो बड़े भाई अदूर दो कर ले शामिल के अरे इतने लंबी बार भी नहीं होंगे दो के जरूरत पे चलते एक काफी है ठीक है जैसा जनाब को मान दुआ कीजिए।